बिल्कुल आई थिंक नई शुरुआत है और ज़िंदगी का एक नया फेज है. अच्छा लग रहा है कि यार मतलब मैं प्रोडक्शन तो मिले नहीं, घर ही है मेरे खत जानते हैं, तो जब घर वाले इसे स्वागत करें तो अच्छा लग रहा है. इज़ वेरी स्पेशल. As a person, I'm sure he's become more responsible. I was always responsible, yeah. You were, but one step ahead. You always take the upper ladder. I think it's important that मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो मेरी family है, friends हैं और जो मेरे बहुत ही करीब हैं, वो हमेशा खुश हैं. Very important. So बस वही है कि उसी पे लगे पड़े हैं. It's important that people should be happy around you. If they are happy, you're happy. In addition to family, so I think खुशी होती है. Plus I think responsibility बढ़ जाती है. जैसे निशा ने कहा, आई थिंक इट्स नॉट ईजी कि आज के टाइम पे सिर्फ शादी करना और वो भी डेली सोप के टाइम पे, जब आपके जो ये चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं आप, ये असली मुस्कान तो ये है, ये नहीं है. और ये मुस्कान इनके आने पे, मेरे आने पे आई है. मुस्कान गायब हो गई थी, यही गायब हो गए थे. नहीं, नहीं, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं. आई थिंक सबने बहुत मेहनत की, और तभी जो है आई थिंक चीजें मैनेज हो पाई हैं. डेली सोप के दौरान आई थिंक कुछ भी, कोई इवेंट करना लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो. आई थिंक जीवन एक संघर्ष. तो सभी ने दिल से चाहा कि नहीं, उसको पूरा टाइम मिलना चाहिए, जो भी जितना भी टाइम है उतना मिलना चाहिए. और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है आई थिंक लीड्स की, कि आप दोबारा अपने काम पर आएँ. डेफिनेटली बहुत लोगों का जो है, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ दो लोगों की नहीं होती है एज लीड्स. सो आई थिंक हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, इट्स नॉट राइट. तो आई थिंक इतने साल हो गए, जो मैंने कुछ सीखा है कि इट्स इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अदर्स ऑल्सो. तो हाँ, मैं आया हूँ वापस, लेकिन कुछ छुट्टियाँ हैं जो उनको बता मैं दूँगा. बट को ऐसे लूँगा कि ताकि किसी को स्ट्रेस ना हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप भी स्ट्रेस में ना हो और फोन ना आए कि ये डबिंग भेज दीजिए, ये वॉइस ओवर भेज दीजिए, ये एक कट है यहाँ पर. तो वैसा कुछ ना होना चाहिए, आराम से बिल्कुल जो एक छुट्टी लें तो आराम से. मेरी शादी में मैंने ज़्यादा टेक्स नहीं लिया, बट आई थिंक रियल शादी में वैसे वैसे भी टेक का मौका मिलता भी नहीं. वन टेक, सो कुछ गलती हो जाए तो फिर फिर आगे पता लगता है. बट आई थिंक आई होप कोई गलती ना हुई हो. सो आई थिंक रियल, आई थिंक जैसे एक ही बार, इट्स वन डे, नथिंग एल्स. इट्स रियल लाइफ.